हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल फनी जादी। तो आज का हमारा रूटीन शुरू होता है सुबह से, और यहाँ पर अम्मी ने चाय बनाने रख दी है जो कि बन चुकी है। और ये है हमारी एक हफ्ते की मलाई, तो इसमें इसे हम घी निकालेंगे। और आज मेरी फरमाइश पे बन रहे हैं सोयाबीन और गोश्त के सीख कबाब। तो हमें गोश्त ज़्यादा पसंद नहीं है, तो मैं कभी भी जब मेरा मन करता है हम तीनों बहन भाई को ये शामी कबाब बहुत अच्छे लगते हैं, और अम्मी पापा को भी। तो हम ये बनवा लेते हैं अम्मी से, जो कि यहाँ पे अम्मी ने सामान रेडी कर दिया है, जिसमें गोश्त है, चने की दाल है, प्याज और थोड़े खड़े मसाले। तो यहाँ पे जो हमने घी निकाला है उसकी छाछ जो निकली है उसको हम पी रहे हैं, और बहुत ही टेस्टी थी और खट्टी खट्टी, क्योंकि घर का तो अलग ही स्वाद होता है। मेरे भैया को बहुत अच्छी लगी। ये है मेरी लस्सी, तो मैंने भी पी ली और अम्मी ने भी पी ली। यहाँ पे अम्मी पी रही हैं और अम्मी को सभी को बहुत अच्छी लगी। तो बस शाम हो चुकी है और हमें तैयारी शुरू कर दी है। इसको हमने मिक्सचर को उबाल लिया है, जो भी दाल, गोश्त और प्याज, लहसुन, इसमें काफ़ी सारी चीज़ें डलती हैं। और फिर उसके बाद हम कच्चे प्याज, मिर्ची और धनिया पत्ती को काट लेंगे, क्योंकि हमें ग्राइंड करके उस सामान को और तब उसके बाद ये डालना है। तो यहाँ पर हमें कर रही हैं सब सब्जी। इसको हमें बारीक ऑमलेट की तरह काटनी है, ताकि ये छोटी छोटी हो जाए, वरना हमारे अगर। हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम, और स्वागत है आप सबका हमारे चैनल फनी जादी में। उम्मीद है आप सब बिल्कुल ठीक होंगे और अल्लाह के फजल करम से हम सभी बिल्कुल ठीक हैं। तो आज हम बनाने जा रहे हैं कबाब, और हमारे घर में सबको बहुत ज्यादा पसंद है, तो अम्मी और सोनम बना रही है और मैं उसकी वीडियो बनाऊंगी। तो चलिए चलते हैं। तो यहाँ पे मैंने इस को तैयार कर लिया है पीस के मिक्स ग्राइंड में, और ये बहुत ही अच्छे तरीके से पिस चुकी है। हमसे गलती ये हो गई कि इसमें मैंने पानी छोड़ दिया और बिना पानी इसका सुखाया और पीस दिया, तो ये थोड़ा पतला हो गया था बैटर, और मतलब बैटर की तरह हो गया था, लेकिन हमें सूखा सूखा रखना होता है। तो आप अगर बनाएं कभी भी तो ये गलती ना करें, अगर गोश्त और दाल में पानी रह जाए तो उसे सुखा देना तुरंत गैस पे। यहाँ पे हम मेरे इसको का सर छोड़ अब तो हो गया, फिर उसके बाद मसाले डाल दिए हैं, और हम डाल देंगे इसके ऊपर से सोयाबीन थोड़ी सी, तो वो भी मैंने मिक्स कर दी है इसमें। और ये है जो भी अम्मी ने काटी हैं प्याज, मिर्ची और धनिया पत्ती, इसको भी हम इसमें मिक्स कर देंगे, क्योंकि कच्ची प्याज मुंह में जब आती है तो बहुत अच्छी लगती है। तो यहाँ पे तैयारी करके अम्मी ने और भी इसको सेकने रख दिया था। हमने अंडे के बिना इसको सेका था, लेकिन हमारे थोड़े फट गए थे, तो इसलिए अम्मी ने फिर दो अंडे मंगाए और उसको मिक्स करके तब उसके बाद हमने इसको डिप करके उसमें डाला था, तो अच्छे बने थे और खाने में बहुत ही लजीज लगते हैं। एक बार आप सभी अपने जो भी नॉन वेजिटेरियन हैं वो बना के ज़रूर देखना, जिन्होंने अभी तक नहीं बनाया, तो ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। इसके आगे ना हर चीज़ फेल है, और मुझे तो गोश्त बिल्कुल भी पसंद नहीं है, लेकिन हाँ मैं गोश्त की टिक्की खा लेती हूँ, जो हमारे यहाँ पे टिक्की कहते हैं और शामी कबाब भी कहते हैं। तो अगर आपको हमारा ब्लॉग पसंद आया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और हमारी वीडियोस को लाइक ज़रूर करना।
करना अभी तो ना।